अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाद होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग की दाल का हलवा। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है मगर बहुत टेस्टी बनती है। तो मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने मूंग की दाल ले ली है। आधा किलो मूंग की दाल है जिसको मैंने 2 घंटे पहले सिंपल पानी में भिगो दिया था और ये अब इस कंडीशन में है। इसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया है, अब ये इस कंडीशन में आ गई है। अब इसको मैंने ग्राइंड करना है और ग्राइंड करने के लिए मैं दूध लूँगी, 1 गिलास दूध। उसमें से अब देखते हैं कितना यूज़ होगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध डालती जाऊँगी, उसको ग्राइंड करूँगी। अगर आपको दाल का हलवा अच्छा बनाना है, टेस्टफुल बनाना है, तो आप इसको दूध में ज़रूर ग्राइंड कीजिएगा, अदरवाइज़ आप पानी में भी कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले ग्राइंड करती हूँ दूध डालकर, सारी कंडीशन फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जी, 1 गिलास दूध मैंने ले लिया है। अब इस 1 गिलास दूध से मैं इस दाल को ग्राइंड करूँगी। अब इस ग्राइंडर जग में दाल डाल दूँगी, मैं थोड़ी ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, और साथ साथ दूध भी डाल दूँगी। अब इसको मैं ऐसे ही सारी दाल को थोड़ा थोड़ा करके दूध डालती जाऊंगी और मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कितना दूध इसमें यूज़ हुआ है। मूंग की दाल ग्राइंड हो चुकी है, आप इसकी कंडीशन देख लें, इतनी ठीक है, ना ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा ठीक है। मैंने इसमें तकरीबन ये 1.5 गिलास दूध डाला है, ये तकरीबन 1/2 kg बन रहा है। तो 1/2 kg दूध के साथ ये 1/2 kg मूंग की दाल ग्राइंड हो चुकी है। अब मैं इसको पकने रखूंगी और पकने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए होगी वो सब मैं आपको अभी बताती हूँ। कढ़ाई में 1 कप घी डाल दिया है मैंने, ये मेल्ट हो रहा है अभी। तो इसमें मैं इसी वक्त इलायची डाल दूंगी, 4 हरी इलायची। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाऊँगी, उसके बाद फिर मैं दाल मूँग की दाल डाल दूँगी। अब मैं इसमें मूँग की दाल डाल रही हूँ। इस दाल को अच्छी तरह से कुक करते रहेंगे, इसमें मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे और चम्मच बिल्कुल रोकना नहीं है, और मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है और उस वक्त तक पकाते रहेंगे जब तक इसका पानी ड्राई हो जाएगा और घी इसमें से सेपरेट हो जाएगा और दाल के भुन जाने की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इसमें मुस्तकिल चम्मच चलाएँगे। ये देखिए, ये हार्ड होना शुरू हो गया है, अभी इसको सिर्फ 1 ही मिनट हुआ है। अब घबराइएगा नहीं, ये गुठलियाँ नहीं पड़ रही हैं इसके अंदर, ये हार्डनेस की तरफ जा रहा है। ये सारी गुठलियाँ इसके अंदर से सब रिमूव हो जाएंगी, बिल्कुल स्मूथ हलवा रेडी हो जाएगा। बस आपको चम्मच मुस्तकिल चलाना है, थोड़ी देर खड़े रहेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। आँच आप मीडियम ही रखिएगा। ये आप देख लें, अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और इसने ये सेपरेट होना शुरू हो गया है हलवा, मगर ये अभी भुना नहीं है, अभी इसमें से खुशबू भी नहीं आ रही है भुन जाने की। तो अभी ये रेडी बिल्कुल नहीं हुआ है, मैं इसको मुस्तकिल चम्मच चला रही हूँ और ये जब रेडी होगा, कितने मिनट में होगा ये सारा मैं आपको अभी बता दूँगी। मैं मुस्तकिल चम्मच चलाती रहूँगी इसको, इसकी कंडीशन मैं आपको दिखाती रहूँगी। अभी रेडी नहीं है, अभी सिर्फ इसको 5 मिनट ही हुए हैं। हलवे को भूनते हुए मुझे 1/2 घंटा हो गया है और इस तरह से ये सेपरेट हो गया है। ये सेपरेट ही होता है, ये एक जान नहीं होता है। और इसमें घी भी बिल्कुल परफेक्ट है, 1 कप मैंने घी डाला था तो बिल्कुल परफेक्ट घी है। अब इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है भुनाई करने की, मूंग की दाल की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब मैं इसमें 2 कप्स चीनी ऐड कर दूंगी। आपको अगर कम पसंद है तो आप कम चीनी डाल लीजिएगा, 1.5 कप डाल लें, मैंने 2 कप्स डाली है। अब चीनी भी अपना पानी रिलीज़ करेगी तो इसको हम थोड़ी देर तक कुक करेंगे।
चीनी के साथ पकते हुए इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका। तो अब इस वक्त मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। मैं थोड़े से बादाम इसमें डाल रही हूँ। और थोड़े से पिस्ता डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई से भी ड्राई फ्रूट ऐड कर लें। मैं ये दोनों चीज़ें डाल रही हूँ। उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं केवड़ा एसेंस डाल दूँगी। तकरीबन ये 3 to 4 ड्रॉप्स हैं ये डालूँगी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। इसके साथ भी इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। केवड़ा एसेंस के 3 से 4 ड्रॉप्स डालने के बाद भी मैंने इसको 3-4 मिनट के लिए पकाया है और ये अच्छा खासा पक चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी है और ये बहुत टेस्टी बना है। इसमें केवड़ा एसेंस का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप खोया इसमें डालेंगे तो हलवा अच्छा बनेगा, खोए के बगैर भी ये बहुत टेस्टी बना है। मूंग की दाल का हलवा बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है, तो आप इस तरीके से बनाकर देखें, आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मूंग की दाल का हलवा बिल्कुल रेडी है और ये बहुत टेस्टी बना है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।